हमारी ट्रिक नंबर वन है, अगर किसी भी जो डिजिट है जो आपकी गिनती दी हुई है उसमें लास्ट में 1, 5, 0 या 6 इसमें से कुछ भी होगा, उसको हम कितना भी बार स्क्वायर करें उसका आंसर में पीछे की जो यूनिट डिजिट होगी, लास्ट डिजिट होगी, वो यही होगी, यानी सेम डिजिट होगी। जैसे आप क्वेश्चंस देखिए, 110 आखिरी में आपका क्या है, 0, तो आप इसका कितना भी पावर करिए आपका जो यूनिट डिजिट होगा, यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं आपका जो इकाई का अंक होगा वो आपका 0 ही होगा। अगर ये 5 है तो ये 5 ही होगा, 1 है तो 1 होगा, 6 है तो 6 होगा। और ये ऐसा क्यों होता है, आप कोई भी जैसे 10 का आप स्क्वायर भी करो तो 100 है, क्यूब भी करो तो 1000 है, तो लास्ट में हमेशा 0 ही आ रहा है। इसी तरह आप 11 देख लीजिए, इसका आप कितना भी करिए, मान लीजिए 2 टाइम्स करोगे तो भी 1, 2, 1, 3 टाइम्स करोगे तो 1, 3, 3, 1, यानी पीछे देखिए क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसी तरह आप सारी गिनतियों के लिए चेक कर लीजिए, 5 के लिए करोगे तो हमेशा पीछे 5 आएगा, 6 के लिए करोगे तो 6 का 1 तो 6 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, क्यूब 216 हो गया, इसके बाद आप करते भी जाओगे आपको हमेशा यूनिट डिजिट 6 मिलेगी। तो ये जो चारों हैं ये मैजिक नंबर्स हैं, 1, 5, 0, 6, और इनका चाहे कितने टाइम भी स्क्वायर करते हैं, कितने टाइम भी हम पावर्स करते हैं, उसका आंसर वही डिजिट होता है। आप इसको कैसे याद कर सकते हो, 5, 1, 6 और ये 6, और 6 माइनस 6 भी 0 हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ट्रिक, नाउ ट्रिक नंबर 2। किसी भी डिजिट में ये डिजिट आखिरी में है तो उसके ऊपर का पावर आपको करके लास्ट डिजिट निकालना है। तो आपका पहला स्टेप क्या होगा कि आपका जो भी डिजिट पावर में लिखा है उसको आप 4 से डिवाइड करोगे। दूसरा स्टेप क्या होगा कि आपका जो रिमाइंडर आएगा, ठीक, उसको आप डिजिट जो यूनिट डिजिट होगी उसका पावर कर लोगे और फिर आंसर निकालोगे। अब मैं इसको आपको समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए ये 2 लिखा है, हमारे पास कोई डिजिट है 192 टू द पावर 253, ठीक, ये पावर में क्या है 253, इसको हम 4 से डिवाइड कर लिए, 4 6 24 13 आ गया, 4 3 12 आपका रिमाइंडर क्या आ गया, 1, तो आपका लास्ट डिजिट यहाँ पे क्या है 2, तो 2 के पावर 1, तो आपका यूनिट डिजिट पे जो नंबर आएगा 2, आप इसको चेक कर सकते हैं, यूनिट डिजिट पे नंबर इसका 2 ही आएगा। इसी तरीके से अगर आपका यहाँ पर 3 है, ठीक, और अगर मैं ये आपका 5 कर देती हूँ, क्लियर, तो हम देखिए इसमें क्या आएगा। अगर आपके पास डिजिट 255 है, आप इसको 4 से डिवाइड करिए, 4 6 24 15, 4 3 12, आपका कितना रिमाइंडर बचा, 3। अब आपका लास्ट में ये कौन सा डिजिट है, 3, तो आपने इसके पावर 3 किया, यानी ये आपका आ गया 27, तो आपकी यूनिट डिजिट पर कौन सी डिजिट आएगी, 7, क्लियर। इसी तरीके से अगर मान लीजिए यहाँ पर आपका 6 होता, 6 नहीं होगा, मान लीजिए आपका 2 होता, 2 भी नहीं, 1 होता, तो ये 11 हो गया, 4 2 8, अगेन इट बिकम्स 3। इफ आई हैव टेकन 250, देन 10 4 2 8 एंड वी गेट 2 एज अ रिमाइंडर, तो आपकी यूनिट डिजिट क्या है, 3, तो 3 के पावर 2, यानी आपका यूनिट डिजिट की प्लेस पर आएगा 9। तो इस तरीके से बाकी जितने भी नंबर्स हैं उनको हम 4 से डिवाइड करेंगे, जो यहाँ रिमाइंडर आएगा, ये रिमाइंडर, उसको हम जो यूनिट डिजिट है उसकी पावर कर देंगे, और जो उसकी यूनिट डिजिट आएगी वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब थर्ड ट्रिक, अब कोई भी डिजिट दी हुई है और उसकी ऊपर की जो पावर है उसको हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं लेकिन रिमाइंडर नहीं आए, रिमाइंडर मेरा 0 हो जाए,
जैसे केस आप देखिए, आपकी पीछे की डिजिट 3 है, ये 1506 में से कोई भी नहीं है, तो यानी आपका जो पावर है 144, इसको आपको 4 से डिवाइड करना है। तो 4 3 are 12 24 4 6 are 24। अब देखिए ये रिमाइंडर आपका क्या आ गया, 0 आ गया। तब आप क्या करोगे, जो आपकी यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट इकाई का अंक जो है, वो आपका क्या है यहाँ पे 3, इसके पावर 4 लगा दो। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आया 81। आपका यूनिट डिजिट में क्या हो गया, 1 आंसर हो गया। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, ये आपका 256 है। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये वो केस है जब हमको 4 से डिवाइड करने के बाद नीचे जो शेषफल है, जो रिमाइंडर है, वो 0 मिलता है। तो हमने 256 को 4 से डिवाइड किया, 4 6 are 24, 16 आ गया, 4 4 are 16, देखिए ये डिवाइड हो गया। ठीक, तो आपको ये यूनिट डिजिट है, यहाँ यूनिट डिजिट क्या है, 9, 9 के ऊपर आपको 4 करना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 729, यानी यूनिट डिजिट आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पर, 9। ठीक है, आपका 4 टाइम्स आपका हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, देखिए 9 into 9 into 9 into 9, तो ये 81 और ये भी 81, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा यूनिट डिजिट का। 729 आपका 3 टाइम्स पे आएगा, तो आपका यूनिट डिजिट पर आंसर क्या हो जाएगा, 1। तो जब आपका रिमाइंडर 0 आएगा तो आप यूनिट डिजिट के ऊपर 4 लिखेंगे और उसको सॉल्व करके आंसर लिखेंगे। तो दो केस थे जब रिमाइंडर 0 नहीं था, शेषफल 0 नहीं था, तो जो रिमाइंडर आता था वो यूनिट डिजिट के ऊपर पावर लगा देते थे, और जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम उस डिजिट के ऊपर पावर 4 लगा के उसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद आपको मैं एक डिटेल क्वेश्चन और बताऊंगी जिसमें सारे टॉपिक्स और सारी ट्रिक्स को एक साथ मैंने समराइज़ किया है। इसके साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि YouTube पर चैनल बना हुआ है सोनिका आनंद के नाम से, और जिसका मैंने लिंक आपको इसी वीडियो के साथ पेस्ट किया हुआ है, जहाँ से आप क्लिक करके उन प्लेलिस्ट पे पहुँच जाएंगे। और YouTube की प्लेलिस्ट में उस YouTube वीडियोस का नाम है मैथ्स और रीजनिंग। इस एक क्वेश्चन में मैं सारी ट्रिक्स को रिवाइज करूँगी। आप इसमें यूनिट डिजिट चेक करिए पहले, ठीक है, ये 3 है, ये 5 है, ये 1 है, ये 7 है। उसके बाद आप अपने मैजिक नंबर्स याद करिए, तो 1 5 0 और 6, ये जहाँ पर होंगे वहाँ कितनी भी पावर हो वही डिजिट होगी। तो ये आपका 5 है और ये 1, तो यहाँ पर आपकी यूनिट डिजिट 5 हो जाएगी और यहाँ आपकी यूनिट डिजिट 5 हो जाएगी। ठीक, अब ये आपका मैजिक नंबर नहीं है और ये भी आपका मैजिक नंबर नहीं है, तो हम इन दोनों की पावर्स को 4 से डिवाइड करेंगे। तो मान लीजिए वो 25 है, 25 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपका देखिए रिमाइंडर आ जाएगा, यानी शेषफल आ जाएगा, ये देखिए कितना आ गया, 1। तो ये जो 1 आ रहा है ये यूनिट डिजिट के ऊपर आप लगाइए, 7 के ऊपर 1। ठीक, अब यहाँ देखिए आपका 144 है, इसको आपने 4 से डिवाइड किया, 4 3 are 12 24 4 6 are 24, और यहाँ आपका रिमाइंडर 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो जो यूनिट डिजिट होगी उसके ऊपर पावर 4 लगा देते हैं। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 81 आएगा, ये 5, ये 1 और 7 का ये 7। लेकिन इस केस में हम 81 नहीं लेंगे, इसकी सिर्फ यूनिट डिजिट लेंगे, तो ये हम क्या लेंगे, केवल 1 -5 -1 +7, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, 7 -5 that is 2, तो यूनिट डिजिट में आपका आंसर आएगा 2। तो इस तरीके से कोई भी गिनती हो उसका हम सॉल्यूशन के बाद यूनिट डिजिट पे क्या नंबर होगा, रिमाइंडर आता है नहीं आता है, अलग अलग डिजिट्स अलग अलग नंबर्स के लिए। थैंक यू बेटा।